दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने भी माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपके भी पैन कार्ड में अगर ऑब्जेक्शन आ चुका है तो किस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, जिसके बाद में 2 दिन के अंतर्गत आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली बन जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पैन एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन चाहे UTI के माध्यम से आया हो या फिर NSTL के माध्यम से, सबका प्रोसेस सेम होने वाला है। आपको इसी तरीके से इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था जिसमें कि कुछ इस तरीके से हमको ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन का रीजन आप देख लीजिए। अगर आप एक माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे गार्जियन का डिक्लेरेशन मांगा जाता है विद आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में, यानी आपने जब भी माइनर पैन कार्ड अप्लाई किया था आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में जो भी डिटेल फिल आउट करते हैं गार्जियन की, उसका डिटेल यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैच नहीं हो पा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपको इस तरीके का ऑब्जेक्शन देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, तो सबसे पहले तो आप जब भी किसी माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, चाहे आप NSTL के माध्यम से करें या फिर UTI के माध्यम से, और पैन एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद में कुछ इस तरीके से अगर आपके एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए जब भी आप अपने माइनर पैन कार्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड करते हैं, यानी जब भी आप एप्लीकेंट का पैन एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड करते हैं जिसमें कि आप पैन एप्लीकेशन के साथ में ही एप्लीकेंट का आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड करते थे, आपको इसी PDF के साथ में अटैच करके अपने गार्जियन का या फिर फादर का यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। जैसे आप इस फॉर्म को अपलोड कर देते हैं तो सक्सेसफुली आपका इस तरीके का जो भी ऑब्जेक्शन आपके पैन एप्लीकेशन में आया होगा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद में आपके गार्जियन के डिक्लेरेशन के बेस पे आपका माइनर पैन कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली बना दिया जाता है। 2 दिन के अंतर्गत आपके ईमेल आईडी पे आपका ई पैन सेंड कर दिया जाएगा, साथ ही में कुछ टाइम के अंतर्गत आपके एड्रेस पे भी फिजिकली आपका पैन कार्ड सेंड कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रकार के ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। आशा करूंगा आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ।